वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर, शो देट हमें क्या दिखाना है, पॉजिटिव आर इंटीजर्स, पॉजिटिव आर इंटीजर्स दिखाना है इज ऑफ द फॉर्म 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5। ये तीन हमें दिखाना है पॉजिटिव आर इंटीजर्स। तो वायर क्यों इज ए क्यों इज सम इंटीजर, तो क्यों क्या है सम इंटीजर। चलो सॉल्यूशन में लिखते हैं, पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए क्या हम लेंगे, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड बी सिक्स है। सिक्स क्यों है, जो कि क्यों का मल्टीप्लाई होता है बी, वो क्या है, यहाँ पर भी सिक्स है, यहाँ पर भी सिक्स और यहाँ पर भी सिक्स है, तो बी है सिक्स। और अब बाई यूक्लाइड एल्गोरिथम क्या है वो देखते हैं, वो क्या है बाई यूक्लाइडस एल्गोरिथम, वो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लाइडस एल्गोरिथम ये है। और वायर अब आर वेरी होता है, आर क्या है, वायर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बराबर होता है और लेस देन होता है बी के बराबर। तो आप देखते एक आर होता है लेस ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस देन बी से होता है। अब देखते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर कौन कौन से है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर अगर हम देखते हैं, एक क्या है ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, तो 0 का एक वैल्यू है इसका। दूसरा है बी से छोटा, बी से छोटा अगर देखेंगे यहाँ पर बी का वैल्यू है 6, तो इससे छोटा भी वैल्यू है। कौन कौन से है वो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है इसके आर के वैल्यू। अब लेते हैं अब आर के कंडीशंस कौन कौन से, आर का वैल्यूज देते हैं इस पे यूक्लिड एल्गोरिथम की, इसको देते हैं। तो वायर व्हेन जब आर 0 होता है तो उस टाइम क्या इक्वेशन बनती है, अगर हम देखें ए इज इक्वल टू बी क्या है, बी सिक्स है, क्यों क्यों आर इंटीजर्स है, इसका वैल्यू सम इंटीजर्स है, प्लस आर क्या लिया हमने 0, तो 0, तो ये क्या बन जाएगा ए इज इक्वल टू 6Q। अगर हम देखते अगर मल्टीप्लाई ऑफ 6 वो क्या बन जाता है, वो इवन या आर, वो इवन बनता है। अगर हम देखें 6 × 1 6 के बराबर, 6 × 2 12, 6 × 3 18, ये सब इवन नंबर्स हैं, तो क्या आएगा ये, इस ये इवन है। फर्स्ट कंडीशन आर जब 0 होता है तो उस टाइम वो इवन बनता है। दूसरा कंडीशन व्हेन आर इज इक्वल टू, अब क्या है 0 लिया और 1 है, तो उस टाइम ए इज इक्वल टू बी क्यू 6Q, 6Q+1। अगर मल्टीप्लाई ऑफ 6 वो 12, 6×1 = 12, और मल्टीप्लाई जब हम 6 को कुछ करते हैं सम इंटीजर से वो क्या बनता है इवन, जब इसको प्लस 1 करेंगे तो वो आर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा कंडीशन आर आएगा। तो तीसरा कंडीशन है व्हेन आर इज इक्वल टू 2, तो ए इज इक्वल टू 6Q+R के बदले आएगा 2। तो आप देखते हैं ये आर है कि इवन। अगर मल्टीप्लाई ऑफ 6 को इंटीजर से करेंगे तो वो बन जाएगा इवन, जब प्लस करेंगे 2 तो वो भी इवन ही बन जाएगा। जब R का वैल्यू 2 है तब भी इवन बन जाएगा। अब व्हेन R इज इक्वल टू 3, तो देखते हैं कंडीशन क्या बन जाए, ए इज इक्वल टू 6Q+3। अब देखते हैं इवन है कि ऑड, ये इवन है 6Q और जब प्लस करेंगे 3 तो ये ऑड बन जाएगा, ये क्या ऑड बन जाएगा। व्हेन आर इज इक्वल टू 4, तो देखते ए इज इक्वल टू 6Q+4, ये मल्टी 6Q है इवन, तो जब प्लस करेंगे 4 तो ये बन जाएगा इवन ही। अब लास्ट है 5, व्हेन आर इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन ए इज इक्वल टू 6Q+5, 6Q+5 ये इवन है 6Q, क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर से तो वो
बन जाएगा इवन, जब प्लस करेंगे 5 तो ये बन जाएगा 8। तो हमें एक्चुअली कौन कौन से वैल्यू लेना है इसमें, ये 3 लेने हैं। ये है जब हम 6 को 1 देते हैं, ये आर एक पहली इक्वेशन, दूसरा है 6 क्यूब प्लस 3, ये है जब आर को 3 वैल्यू करते हैं, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। तो अगर जब वैल्यू करते हैं आर को 5 तो ये बनती है, तीनों आर निकले। देयर फोर लास्ट में लिखते हैं एनी पॉजिटिव आर इंटीजर्स इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ये हमने शो दिखाया।